नेक्स्ट टेक्निक ऑफ मॉडर्न टेक्निक ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी अंडर कैपिटल बजटिंग, एंड दैट इज दी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. सो आफ्टर एनपीवी, दी सेकेंड टेक्निक दैट वी विल बी कवरिंग टूडे इज दी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. वेरी सिमिलर टू एनपीवी इन द सेंस दैट इट इज यूजिंग द सेम इनपुट एज एनपीवी. द फॉर्मूला इज टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. तो वॉट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेसिकली टेलिंग यू दैट फॉर एवरी रुपी वन इन्वेस्टेड वॉट इज द रिटर्न दैट यू आर गेटिंग. तो कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दिस टेक्निक वुड मोर और लेस बी अ वेरियंट, कंसिडर्ड टू बी अ वेरियंट ऑफ एनपीवी, एंड इट इज टेलिंग यू वॉट इज द रिटर्न दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम एवरी रुपी वन इन्वेस्टेड. नाउ ऑब्वियसली अ फर्म वुड प्रेफर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ मोर देन वन बिकॉज यू आर सीइंग द रिटर्न ऑन रुपी वन. तो वेन द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पी आई इज ग्रेटर देन वन, इट मीन्स दैट दी प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज ग्रेटर देन दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, एंड वी विल एक्सेप्ट दी प्रोजेक्ट. पी आई लेस देन वन क्लियरली मीन्स दैट वी रिजेक्ट दी प्रोजेक्ट बिकॉज ऑन रुपी वन इन्वेस्टेड यू आर गेटिंग अ लोअर रिटर्न. एंड पी आई इक्वल टू वन इज अ केस ऑफ इनडिफरेंस फॉर विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इनडिफरेंस मीन्स दैट यू विल बी कंसिडरिंग अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट बिफोर यू डिसाइड ऑन वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. नाउ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, एंड इन एवरी केस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड एनपीवी विल गिव यू द सेम रिटर्न. सो इफ एनपीवी इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी ग्रेटर देन वन, एंड इफ एनपीवी इज नेगेटिव द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी लेस देन वन. द प्रॉब्लम अराइजेज बिटवीन एनपीवी एंड पीआई व्हेन यू हैव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स. इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स दैट इज you simply need to rank the projects or something like that, you will have the same results. But in case of mutually exclusive projects, you might have different results. And then again, when input the investment and outflows, invest sorry the investment and inflows, the benefits that you are getting from the project under comparison are different. Then again, your PI and NPV might give you different results. When the key considerations under two projects are different, there is a possibility that NPV and profitability index might give you different rankings. Okay. So it may be the case that under NPV there is a different ordering when you are going for mutually exclusive projects, and with profitability index you're getting a different ranking for the mutually exclusive projects. Okay, let's move ahead. We will solve questions on profitability index, but before that, I am taking one more time adjusted technique, which is nothing but an improvement of one of the traditional techniques.
of capital budgeting. So if you remember, under capital budgeting, we have done payback period. Can anyone recall what payback period is? Yes. What is payback period? Is it based on cash flows or is it based on accounting profits? No one remembers. एम कैश फ्लोज ओके, कैश फ्लोज पे बेस्ड होता है, बट व्हाट इज द मीनिंग? तो पेबैक पीरियड इज द टाइम पीरियड इन विच यू आर एबल टू रिकवर योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड इन द प्रोजेक्ट, विच मीन्स कि जितना शॉर्टर पेबैक पीरियड होगा उतना बेटर होगा किसी भी फर्म के लिए, बिकॉज इट मीन्स दैट ब्रेक इवन, यू आर रीचिंग ब्रेक इवन इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, एंड वंस यू रीच ब्रेक इवन आफ्टर दैट ऑल सब्सिक्वेंट कैश फ्लोज मीन दैट दे आर एडिंग टू दी वेल्थ ऑफ दी शेयर होल्डर. जब आपने कॉस्ट कवर कर लिया, उसके बाद सब्सिक्वेंट जो भी कैश फ्लोज हो रहे हैं वो प्रॉफिट है, वो एडिशन है टू दी वेल्थ ऑफ दी शेयर होल्डर्स. दी ओनली प्रॉब्लम विद दी ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड इज दैट इट डज नॉट कंसिडर दी टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सो नाउ वी कम अप विद एन इम्प्रोवाइजेशन ओवर दी नॉर्मल पे बैक पीरियड, एंड दिस इज नाउ दी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. सो फॉर्मूला इज दी सेम, दी इंटरप्रिटेशन इज दी सेम, दी ओनली डिफरेंस बीइंग नाउ इंस्टेड ऑफ सिंपल कैश फ्लोज वी आर यूजिंग डिस्काउंटेड और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो. सो वी आर कंसिडरिंग दी डिस्काउंटेड कैश फ्लो. सो फॉर्मूला इज दी सेम. इफ यू हैव इक्वल कैश फ्लोज, यू टेक सिंपली दी टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय दी कैश इनफ्लो. इफ यू हैव अनइक्वल कैश फ्लोज, वी कैलकुलेट दी क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज एंड देन लोकेट दी टाइम पीरियड बिटवीन विच द इन्वेस्टमेंट इज बीइंग रिकवर्ड. द बेसिक रूल इज शॉर्टर द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, बेटर इट इज फॉर दी फर्म. So I am first taking up a question which covers both these techniques so that it brings in more clarity. Here we have the question. So this is a case of mutually exclusive projects A and B with different capital outlays. So A has an investment of 1,35,000, while B has an investment of 2,40,000. Now there won't be any scrap value, and cost of capital, that is the rate at which you'll be discounting the cash flows, is 16%. You are given annual income under both the projects, and you're required to calculate for each project the NPV, discounted payback period, and profitability index. So you can start with the question, you can start with the calculation of NPV, which is simply the present value of cash inflows minus the present value of cash outflows. What you do is, now annual income is given in the question, otherwise annual income means that we need to arrive at the cash flows
for convenience for the time being, consider them as the cash flows. Because it's not given whether they are before depreciation, after depreciation, tax rate भी नहीं दिया हुआ. There's not clarity on whether these are cash flows, profit after tax or EBDIT. So, and as I can see in the question also, they have been considered as cash flows. So you can simply start with the calculation of NPV. Present value of cash inflows minus cash outflow. Start solving for machine A and machine B.
Okay, so with regards to NPV, I've got answer from Pranath. It is higher for project A at rupees 58,248, and for machine B it is 3,484,500. So you can use the same inputs and calculate the PI quickly, and it is present value of cash inflows upon present value of cash outflows. So as put the values, we are getting PI for A see how much is the evaluating coming to. These are absolute values. There is no unit of measurement for PI. So as expected, the profitability index for machine A is higher than the one for machine B. So we can now move to the third part, which is the discounted payback period. I'll solve for one machine A, and then you can solve for machine B. So again, you have solved the question. You are having all the present values with you. Start putting in the values here, present value of cash inflows. For machine A, first year there was nothing. I'll also solve side by side. You can start solving. Give me a minute. This present value is at the rate 16%.
these are the cumulative cash flows. Next, we need to locate the lower and the higher year. Initial investment 1,35,000, which means that this is between year 3 and 4, that the investment of 1,35,000 is recovered. So now we apply the same formula which we were using in payback period. So this will be lower year plus required cash flow to recover the investment upon actual cash flow into the difference between the years. So this gives you approximately 3.61 years to recover the initial investment. Similarly, solve for machine B. See how much is the discounted payback for machine B. Please calculate.
हाउ मच इज द पे बैक फॉर मशीन बी? तो अगेन वी आर गेटिंग अ हायर पे बैक पीरियड ऑफ 4.18 ईयर्स. सो देन यू गिव अ कंक्लूजन टू दी सॉल्यूशंस यू हैव डन दैट ऑन बेसिस ऑफ ऑल दी थ्री टेक्निक्स मशीन ए टर्न्स आउट टू बी मोर प्रेफरेबल देन मशीन बी विद हायर एनपीवी, हायर पीआई एंड अ शॉर्टर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड.